पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को बिके हुए जनप्रतिनिधियों को समझाना चाहिए, पहले बातों से समझाना चाहिए, फिर न माने तो लातों से समझाना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता अपने नेता के लिए दिन रात एक करता है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी कांग्रेस के विधायकों के भाजपा में शामिल होने से काफी खफा हैं। जीतू पटवारी ने विधायकों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चाहे वह किसी भी पार्टी का विधायक हो, कार्यकर्ताओं को विधायक को समझाना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता चुनाव से लेकर रिजल्ट आने तक अपना सब कुछ लगा देता है। जब पोलिंग बूथ पर कोई झगड़ा या विवाद होता है तो वह कार्यकर्ता को झेलना पड़ता है। कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वह कार्यकर्ता पर होती है, जनप्रतिनिधि पर नहीं होती। इसलिए बिके हुए विधायक अगर कार्यकर्ताओं की बातों से नहीं माने तो उन्हें कहावत के मुताबिक लातों से समझाना चाहिए। सोचता हूं कि एक जनप्रतिनिधि जो रहता है, एक कार्यकर्ता, उसके लिए रात दिन लगता है। रात को पांच पांच दिन तक दिन रात एक करता है बूथ में, फिर जिस दिन पोलिंग होता है रात भर जगता है। पोलिंग के दिन 5 बजे उठ के पोलिंग पे जाता है, अपने जेब से पैसे खर्च करता है। कई बार पोलिंग पे विवाद हो जाते हैं तो थाने तक जाती है, जिस पर FIR उस नेता पे, जिन चुनने वाले जनप्रतिनिधि पे नहीं लगती, वो उस कार्यकर्ता पे लगती है। ऐसे लोग जो अपना मान सम्मान और अभिमान के साथ अपने नैतिक दायित्व को खो देता है या अपने आप को समर्पित करता है आर्थिक दृष्टिकोण से, इनको बातों से समझाना चाहिए, और जो बातों से नहीं माने उनको लातों का उपयोग भी करना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।